Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new topic, that is effective nuclear charge. Effective nuclear charge में हम यहाँ पर किस तरीके से electrons nucleus के लिए जो attraction force होता है, nucleus का जो attraction force होता है, हर इस तरीके से feel करता है, वो सारी चीजों का डिस्कशन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे. तो हम जिस तरीके से देखते हैं कि एक एटम का यदि हम स्ट्रक्चर देखें, तो एटम के यहाँ पर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके कारण ही एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, उनका एक अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही इसका एक शेप जो है, जो उसको पर जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पे जो न्यूक्लियस चार्ज जो पड़ रहा है, वो चार्ज जो है वो कंप्लीट जितना यहाँ पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं पड़ता, बल्कि इसमें जो इसके साथ इनर शेल में भी जो इलेक्ट्रॉन्स है और साथ में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव फोर्स भी लगते हैं. तो यहाँ पर न्यूक्लियस का लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, और ये जो साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इनर सेल में भी है और साथ में भी है, उनका लग रहा है रिपल्सिव फोर्स. तो इसके रिपल्सिव और अट्रैक्शन फोर्स के डिफरेंस को हम पहले निकालते हैं, और फिर उसके बाद उस डिफरेंस से ही हम निकाल पाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, जिसको अपन जेड स्टार से शो कर रहे हैं, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस एस, और जहां पर जेड स्टार जो है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इज एटॉमिक नंबर, एस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट. अब ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन हमको करना पड़ेगा, और जब हम डिटरमाइन करके एक्चुअल जो एटॉमिक नंबर है उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इसको निकालने के लिए स्लेटर रूल्स है, इस स्लेटर रूल्स को हम पढ़ेंगे किस तरीके से उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, हमको कुछ रूल्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एलिमेंट का हम यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. द न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ओनली अ पार्ट ऑफ द टोटल न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो अब इसमें किस तरीके से यहाँ पर हम स्लेटर के क्या रूल है उसको जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स लेकर के हम आपको हर एक एग्जाम्पल्स का न्यूक्लियर चार्ज निकालना सिखाते हैं. अब इसके बाद जो स्लेटर ने 1930 में एक रूल दिया था, और जिस रूल के अकॉर्डिंग हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम समझते हैं उसमें क्या क्या रूल्स थे. तो फर्स्ट रूल जो है वो है एस इज इक्वल टू जीरो फॉर इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन. यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे उस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट जीरो होगा. उसके अलावा जो उसके साथ और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को पुट किया जाएगा. तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉइंग किया मैंने. तो यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से भरे हुए हैं. अब मान लीजिए कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन से इसका हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है, या इसका जो पूरा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस निकालना है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस निकालने पर ये इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी जीरो. इसके साथ वाले जो और भी दूसरे अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए देखिए रूल्स क्या बनाया है. एस इज इक्वल टू जीरो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 0.30 फॉर एस इलेक्ट्रॉन एंड 0.35 फॉर पी इलेक्ट्रॉन. अब इसमें क्या है
कि हमने यहाँ पर देखा है जब हम एटम का पूरा स्टडी करते हैं तो उसमें शेल होती है, देन सब शेल होते हैं, देन ऑर्बिटल्स होते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से सीक्वेंस होता है। तो मान लीजिए कि हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल पर है, तो यदि वो एस ऑर्बिटल में है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ वाले शेल की बात कर रहे हैं, इसके साथ वाले शेल में जितने भी एस इलेक्ट्रॉन होंगे जो एस ऑर्बिटल में है, उनकी वैल्यू को हम, जितने भी नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 0.30 से। ये कौन से इलेक्ट्रॉन से? एस इलेक्ट्रॉन से जो एस ऑर्बिटल में है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में हैं, उन पी ऑर्बिटल वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 0.35 से। इनका अपन ध्यान रखेंगे, ये किसके साथ? साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, साथ वाले ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो साथ वाले ऑर्बिटल में, साथ वाले ही ऑर्बिट में जो भी एस इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो पी इलेक्ट्रॉन को 0.35 से करने वाले हैं। अब सेकंड रूल देखिएगा, थर्ड रूल देखिएगा, एस इज इक्वल टू 0.85 फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिटल। अब यहां से हम आए अंदर की तरफ, इनर ऑर्बिटल्स पे आए, अंदर की तरफ आए। अंदर की तरफ आने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 0.85 से। तो यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 0.85 से, है ना। इसमें एस और पी को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, जो भी है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो इसका और जो एक और नेक्स्ट रूल है, एस इज इक्वल टू 1 फॉर इलेक्ट्रॉन इन नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल। अब जितने भी नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल्स हैं, यानी ये जितने भी हैं सबको हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1 से। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये रूल है, इस रूल को हम ध्यान रखेंगे तो इसमें जिस भी एलिमेंट्स के हमको निकालने होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस उनको हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साथ वाले में एस के लिए 0.30, पी के लिए 0.35, फिर इसके इनर शेल में आए तो 0.85, और उसके बाद जितने भी इनर शेल हैं सबको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना ये रूल है, इसके अलावा एक दो रूल और है वो बताती हूँ मैं। एंड नाउ नेक्स्ट रूल ऑफ स्लेटर इज, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर टेकन एज इंडिपेंडेंट ऑर्बिट। अभी तक जो बात कर रहे थे हम वो एस और पी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, हमने डी और एफ को अभी डिस्कस नहीं किया। अब डी और एफ जो है, जो भी डी ऑर्बिटल में या एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट की तरह बिहेव करते हैं, उनका अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो एक एग्जांपल लेकर के अभी उसको समझते हैं हम। एंड लास्ट रूल इज, द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट इज 0.05 फॉर 1 एस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यदि हम यहाँ पर देखते हैं, यदि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें वन इसमें जो है यहाँ पर प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यदि इसका हमको निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसको यदि हम छोड़ दें जैसे रूल्स में बताया है, तो फिर तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन के केस में बस उन्होंने एक स्पेशल रूल बनाया है कि हाइड्रोजन के केस में यदि हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू यदि कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो रूल बना है, एक्चुअल एटॉमिक नंबर है इसका 1, और सिर्फ इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 0.05, तो आंसर आ जाएगा 0.95। तो 0.95 इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर हाइड्रोजन एटम, ओनली हाइड्रोजन के लिए। बाकी के लिए तो हम यहाँ पर ये जिस भी इलेक्ट्रॉन्स को हमको कैलकुलेट करना होता उसकी वैल्यू 0 लेते हैं, और उसके साथ जो भी अदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करके एक्चुअल से माइनस करना होता है। तो अब अपन एक दो और एग्जांपल्स लेकर के इसको और समझते हैं।